हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्चना जैन द क्वीन ऑफ किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं खाने का स्वाद दुगना करने वाली कच्ची लाल मिर्च की चटनी, जिसे महाराष्ट्रियन वराड़ी ठेचा भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। कच्ची लाल मिर्च की चटनी यानी कि महाराष्ट्रियन वराड़ी ठेचा बनाने के लिए यहाँ हमें चाहिए 200 ग्राम कच्ची लाल मिर्च, और इसके हमने डंठल निकाल लिए हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमें लहसुन चाहिए, एक बड़ी गांठ मैंने लहसुन की ली है। 1.5 टीस्पून लिया है जीरा, एक बड़ा लेमन का जूस लिया है, और बिल्कुल 1/2 टीस्पून हमने चीनी ली है। स्वाद अनुसार नमक यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हमें थोड़ा सा हींग भी चाहिए, और मूंगफली का मैंने यहाँ पर ऑयल लिया है। अब हमें करना ये है कि ये जो मिर्च है और लहसुन, इसे हमें मिक्सी जार में बारीक ग्राइंड करना है। एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे इसका, तो जो बड़े लहसुन की कलियां हैं इसे थोड़ा सा मैं काट लेती हूँ, नहीं तो वो पूरी तरह से मिक्सी जार में बारीक नहीं हो पाते। तो इस तरह से बीच में से काटते हुए लहसुन को हम इसमें ऐड करेंगे। चलिए, अब मैंने लहसुन काट लिया है, और इसमें से अब हमें थोड़ा सा जीरा इसमें ऐड करना है, थोड़ा सा बचा कर रखेंगे। और जो लाल मिर्ची है उसे भी मिक्सी जार में डाल देते हैं। और ये जो मिर्ची है इसे मैंने पानी से अच्छी तरह से धो लिया था, क्योंकि इस पर पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं, और कॉटन के कपड़े पर इस पर जो पानी था उसे अच्छे से पोंछ लिया है। और अब हमें इसे दरदरा पीसना है, बिल्कुल बारीक नहीं करेंगे इसे। तो अब मैं इसे मिक्सी जार में ग्राइंड कर लेती हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसे बिल्कुल दरदरा पीस लिया है, बिल्कुल बारीक नहीं करना है इसे। तो एक पैन हमने गैस पर रख दी है, और अब इसमें ऐड करेंगे तेल। यहाँ पर मैंने ग्राउंडनट ऑयल यानी कि मूंगफली का तेल यूज किया है। आप चाहे तो इसमें सरसों का तेल या कोई भी आपका मनपसंद तेल इसमें यूज कर सकते हैं। तो लगभग मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल इसमें डाल दिया है। अब थोड़ा सा गरम होने देंगे इसे। तो अब तेल जो है गरम हो गया है, बहुत ज्यादा गरम नहीं करना है। अब हम इसमें डाल देते हैं जीरा, और ऑयल में ही हमें हींग भी ऐड करना है। देखिए, अब ऑयल में जीरा क्रैकल होने लगा है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं पीसी हुई लाल मिर्च, और आपने देखा कि मैंने ऑयल को ज़्यादा गर्म ना करते हुए उसमें जीरा डाल दिया था, क्योंकि अगर ऑयल ज़्यादा गर्म करेंगे, यूजुअली जैसे कि हम कोई भी सब्जी बनाने के लिए ऑयल को गर्म करते हैं, तो इतना ज़्यादा गर्म नहीं करना है ऑयल को, नहीं तो मिर्ची इसमें डाल देने के बाद में खांसी और छींके आनी शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए हमने ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया था। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे, एक साथ चलाना है इसे। और यहाँ पर हम बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो ये जो मिक्सी जार है जिसे कि चटनी लगी हुई है, इसमें मैंने लेमन जूस डाल दिया है, और इसे अच्छी तरह से अब लेमन जूस में निकाल लेंगे इसमें लगी हुई चटनी को। तो हमें इसे 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही कुक करना है। तो अब मैं इसे इसमें ऐड करूँगी ये जो चीनी है, और इसी के साथ साथ हमें इसमें स्वाद अनुसार नमक भी ऐड करना है। गैस को मैंने सिम किया हुआ है, इसमें हमने कोई भी प्रिजर्वेटिव का यूज नहीं किया है, इसलिए इसे आप कम से कम 1 से 1.5 महीने तक तो भी चला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और अब हम इसमें डाल देते हैं ये जो नींबू का रस है। पाँच सात मिनट इसे हो गए हैं कुक होते हुए, और 3 मिनट तक हम इसे लेमन जूस ऐड करने के बाद कुक करेंगे। तो टोटली 10 मिनट्स में हमारी जो चटनी है वो रेडी हो जाएगी। सो गाइस, यहाँ पर अब 3 मिनट फिर से हो गए हैं,
टोटली 10 मिनट्स में हमारी चटनी बनकर तैयार है। अब इसे ठंडा होने देंगे और एक कंटेनर में भरकर हम इसे फ्रिज में कम से कम 1 से 1.5 महीने तक चला सकते हैं। चलिए अब हमारी चटनी खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, बहुत ही टेम्पटिंग, बहुत ही यम्मी लग रही है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ एक बाउल में। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी इसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट करिए। इस रेसिपी को ज़रूर ज़रूर ट्राई करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए। तो वीडियो ख़त्म होने से पहले इस रेसिपी को आपको लाइक करना है और मेरे चैनल पर बने रहना है ऐसे ही नए नए रेसिपी सीखने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर से नई रेसिपी के साथ।